हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजाल गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 11 बजे यहाँ लाइव होते हैं बायोलॉजी के लिए। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। नीलम गुड मॉर्निंग, श्रेया गुड मॉर्निंग, शिवांगी वेरी गुड मॉर्निंग, आराध्या गुड मॉर्निंग, धर्मेंद्र गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग राम, गुड मॉर्निंग। चलो तो शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। जैसे कि हमने कल देखा प्लैटी हेलमेंट्स में, प्रतिकृमि में हमने क्या देखा, थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स देखे उसके, कि क्या क्या वो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर, पोजेस करते हैं, कैसा उनका सिस्टम होता है, इंटरनल सिस्टम कैसा होता है, हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी। तो आज हम PYQs लेके आए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम आज यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, इसका ये कितनी लाइफ साइकिल में, कितने होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, तो उसके लिए हम उसकी लाइफ साइकिल भी एक बार देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, डायग्राम्स की हेल्प के साथ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, अब ठीक है, क्लियर है, चलो तो शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको बोला जब हम शुरू करते हैं तो मैं आपको पहले ही बोल देती हूं कि प्लीज आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि आपको समझ आए कि आपकी जो आपको पढ़ रहे हो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग संध्या जाट, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो तो शुरू करते हैं। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम। ज्वाला कोशिकाएं फाइलम से संबंधित जानवरों के उत्सर्जन अंग है। कौन सा है, किसका फ्लेम सेल्स किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्रोटोजोआ का, पॉरीफेरा का, सिलेंट्रेटा का या प्लैटी हेलमेंट्स का? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा या पृथ्वीकृमी का, किसका है फ्लेम सेल्स? मैंने आपको बताया था फ्लेम सेल्स के बारे में किसमें। वेरी नाइस श्रेया, वेरी नाइस आराध्या, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, शेयर कर दिया है, ठीक है। मैं अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी उन क्वेश्चंस में, तो मैं आपको उसकी आंसर की भी आज उसके अंदर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। जिस जिसको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी सिलेंट्रेट्स वाले में, तो आज हम उसके आंसर की मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगी। वेरी नाइस, प्लैटी हेलमेंट्स में, प्लैटी हेलमेंट्स में आपने देखा एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, एक तो फ्लेम सेल्स और दूसरी क्या चीज थी, प्रोटोनेफ्रीडिया। ये दो ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था फ्लेम सेल्स के बारे में, ठीक है। तो प्लैटी हेलमेंट्स इज अ राइट ऑप्शन। पृथ्वीकृमी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉर्म्स ऑफ फाइलम प्लैटी हेलमेंट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट डू नॉट पोजेस। फाइलम प्लैटी हेलमेंट्स के कृमी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर, पूछा है प्लैटी हेलमेंट्स के बारे में। आपको पता है प्लैटी हेलमेंट्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट है। क्या है ये, ट्रिप्लोब्लास्ट है। तीन जर्म लेयर, तीन स्तर कोशिकाएं इनके पास, स्तर लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी, एक्टो, एंडो और मीजो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो आपके, आपसे पूछा इसमें से क्या नहीं पोजेस करता, उनके पास क्या नहीं होता, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होती, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, माउथ नहीं होता या बॉडी कैविटी नहीं होती, जठर संवहनी गुहा नहीं होता, आहार नली नहीं होती, मुंह नहीं होता या शरीर गुहा नहीं होता। जल्दी से आंसर करो श्रेया, बी एलिमेंट्री कैनाल, बी बी बी, सारे बी बी आंसर कर रहे हैं। क्या है? एक बार दोबारा से सोच लो, क्या आपका आंसर सही है,
एक बार दोबारा से सोच लो, और अगर अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो प्लैटी हेलमेंट्स में मैंने आपको सबसे पिकुलर जो सबसे पहली चीज बताई थी, प्लैटी और वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, और उसके बाद मैंने तीन चार चीजें लिखी थी, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और भी कुछ लिखा था, उसको जरा याद कर लो और इसका आंसर दे दो सही। ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नो नो नो, जल्दी आंसर करो, क्या होगा इसका? थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, ये नहीं बोला कि एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। देखा, आगे आंसर। दीपक तनवर, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा मतलब देना पड़ता है आपको, फ्यूल देना पड़ता है तो ही आप एक्टिव होते हो, है? तो पहले ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, उसमें पूछा है इनमें से क्या पोजेस नहीं करता, इसमें से क्या नहीं होता। आपने देखा था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी उसमें प्रेजेंट होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होती है, जो माउथ से कहां तक जारी होती है, इंटेस्टाइन तक जारी होती है, वो तो कई ऑर्गेनिजम्स बताए थे मैंने जिसमें इंटेस्टाइन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल्स तो वहां प्रेजेंट थी, माउथ भी प्रेजेंट था, लेकिन ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, कैसे ऑर्गेनिज्म है ये? असिलोमेट। असिलोमेट थे तो इनके अंदर क्या नहीं होती? कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। शरीर गुहा, जो गुहा होती है, जो कैविटी होती है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए तो इन्हें असिलोमेट बोलते हैं। भूल गए? ठीक है, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिन जिन ने भी डी ऑप्शन किया है इज अ राइट आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोगों ने गैस्ट्रोवेस्कुलर, बहुतों ने एलिमेंट्री के नाल आंसर किया है, तो देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन था और कैसे फंसा दिया क्वेश्चन ने। अभी भी बी एलिमेंट्री के नाल लिख रहा है कौन? सुधा, क्या हुआ बेटा? एलिमेंट्री के नाल कैसे होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बॉडी कैविटी। आंसर होगा बॉडी कैविटी। ये देखो, ये नर्व्स दिखाई हुई है इसमें, ये दो गैंगलिया है, ये आई स्पॉट है, इसके साथ दो गैंगलिया अटैच है, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स दिखा रखी है आपको, ये इसकी इंटेस्टाइन दिखा रखी है लॉन्ग। मैंने आपको इसीलिए ये डायग्राम यहां पे लगा दिया ताकि आपको क्या दिख सके, इसकी इंटेस्टाइन दिख सके। वहां पे आई स्पॉट प्रेजेंट है और गैंगलिया प्रेजेंट है, तो माउथ कहां पे प्रेजेंट होगा? इधर प्रेजेंट होगा माउथ, और एनस इधर प्रेजेंट है, और इससे जो जा रही है ये क्या है? इसकी एलिमेंट्री केनाल है। क्लियर है? और इसके इस वाले पार्ट में, इस वाले डर्म में, इस वाली लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी इसको एक्सक्रीटरी केनाल भी बोलते हैं। इस वाली उसको केनाल को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी केनाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दिखा रखा है आपको, फ्लेम सेल्स का डायग्राम दिखा रखा है, उसमें सिलिएटेड होते हैं ये, सीलिया भी प्रेजेंट होता है। इस कैसे होते हैं फ्लेम सेल्स? सिलिएटेड होते हैं, उनके पास सीलिया भी प्रेजेंट होता है, जो चीजें आती है उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कहीं दिख रही है कैविटी? कैविटी कहीं दिख रही है? किसी ऑर्गन्स के बीच में कैविटी नहीं है, पैरेन्काइमा सेल से भरी हुई होती है। यस, नाउ सकल्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टकल। सकल जो होता है किसका, किसकी संरचना है? स्ट्रोबिला का, प्रोग्लॉटिड्स का, स्कॉलस का, या ग्रेविट प्रोग्लॉटिस का? तो किसका है? स्ट्रोबिला, प्रोग्लॉटिस, स्कॉलस या ग्रेविट प्रोग्लॉटिस, किसका पार्ट है? साधना, वेरी गुड मॉर्निंग। सकर्स किसका पार्ट है? मैंने आपको बताया था जो एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सकर्स, हुक्स, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं इसके, वो पूछा है कौन सा पार्ट होता है। सकर्स एक नेक पार्ट होता है और एक ऊपर वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं जहां पे सकर्स पाए जाते हैं? बी प्रोग्लॉटिस। नो बेबी, प्रोग्लॉटिस नहीं बच्चे, स्ट्रोबिला, प्रोग्लॉटिस, स्कॉलस या ग्रेविट प्रोग्लॉटिस। सी स्कॉलस। यस,
सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. अभी मैं आपको इसका डायग्राम्स दिखा देती हूं कि सकर्स कहां पे पाए जाते हैं. स्कॉलस में पाया जाता है सी. क्या कर रहे हो बी. प्रोग्लॉटिस नहीं होता है. प्रोग्लॉटिस और प्रोग्लॉटिस मेच्योर और इमेच्योर दो तरह के होते हैं. जो मेच्योर प्रोग्लॉटिस होते हैं उसमें सेक्स सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है चलो आप जान जाओगे श्रेया आप पता चल जाएगा. ये देखो इसका डायग्राम देख लो. ये वाला नेक पोर्शन है इसका. क्या पोर्शन है ये वाला. नेक पोर्शन है. और ये वाला जो पोर्शन है ये स्कॉलस का पोर्शन है. क्या है ये. स्कॉलस कहते हैं इसको. यहां पे आपको क्या दिखेंगे. सकर्स दिखेंगे. यहां पे हुक्स जो एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं हेड रीजन में. यस स्कॉलस. ठीक है ये नेक वाला रीजन होता है. यहां पे ये इमेच्योर होता है. इमेच्योर प्रोग्लॉटिस होता है जहां पे सेक्स सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. और यहां पे ये ऐसे टेप फॉर्म तो ऐसे ही होगा ना. यहां ये वाला रीजन जो होता है ये वाला होता है मेच्योर मेच्योर प्रोग्लॉटिस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं. सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं फीमेल और मेल. ठीक है क्लियर है इतनी बात. कोई डाउट तो आप याद रखोगे. सकर्स का स्ट्रक्चर कहां पे पाया जाता है. स्कॉलस में. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. स्कॉलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैट वर्म्स टेप वर्म्स राउंड वर्म्स या अर्थ वर्म्स. स्कॉलस किसकी विशेषता है. चपटे कृमि की फीता कृमि की गोल वर्म्स की या केचुओं की अर्थ वर्म्स की. किसका कैरेक्टरिस्टिक है स्कॉलस. कहां किसमें पाया जाता है. अभी आपने देखा. यस नाइस शिवांगी वेरी नाइस. और कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे है. ओके ओके ठीक है समझ आ गया कि आप क्लास में अटेंटिव हो. ठीक है वेरी नाइस. तो कहां पे देखने को मिलेंगे हमें. टेपवर्म में स्कॉलस वाला पार्ट मिलेगा. स्कॉलस वाला पार्ट अपर पार्ट होता है. इंटीरियर पार्ट होता है जिसको हेड भी बोलते हैं. इंटीरियर पार्ट होता है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है. इस स्कॉलस में एडहेसिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं. एडहेसिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे हुक्स जिससे जिनके द्वारा इनको क्या करना होता है. चिपकना होता है होस्ट के अंदर. क्या है इसका ऑप्शन. टेप वॉर्म्स फीता कृमि. ठीक है क्लियर है निर्जा वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. तो ये देख लिया आपने. ये इसका स्कॉलस वाला पार्ट है. ये नेक पार्ट है. स्कॉलस पार्ट पे दोनों सकर्स प्रेजेंट है और इसमें हुक्स भी प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द एम्ब्रियोस ऑन्कोस्फेयर्स ऑफ टेनिया सिग्निटा होगा. ये हाइफन नहीं आएगा. टेनिया सिग्निटा आर रिलीज्ड इन. टेनिया सिग्निटा के भ्रूण ऑन्कोस्फियर्स जारी किए जाते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मैन इंटेस्टाइन ऑफ कैटल लिवर ऑफ मैन लिवर ऑफ कैटल. किसकी बात की है. टेनिया सिग्नाटा की बात की है या टेनिया सोलियम की भी अगर हम बात करें. दोनों स्पीशीज की अगर हम बात करें तो एक बार इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं पहले. अगर हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो सबसे पहली स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल की. सबसे पहली स्टेज है कि जो टेनिया सोलियम है और जो टेनिया सिग्नाटा है वो अपने एग्स जो है कौन से एग्स या उसको कह लो ग्रेविड. उसको क्या कहते हैं ग्रेविड. एक बार ध्यान से देखना इसको यहां लिख रही हूं. एग्स या ग्रेविड प्रोग्लॉटिस कहते हैं. प्रोग्लॉटिड्स ये कहां पे आ गए. जो एग्स है वो इस इंफेक्टेड मैन ने क्या किया. ये अपने एग्स निकाले. एग्स को फीसिस के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट मटेरियल निकाला उसके थ्रू क्या हो गए. किस में आ गए. सॉइल में आ गए उसके एग्स. ये इंफेक्टेड स्टेज है इसकी. कौन सी स्टेज है ये याद रखना. ये वाली स्टेज कौन सी है. इन्फेक्टिव स्टेज है. इन्फेक्टिव स्टेज.
कौन सी? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड, जो एग निकले इसमें से. इनको क्या खाया? इनको एग्स कहां पे आ गए? सॉइल में आ गए. इन ग्रासेस को किसने खा लिया? इस कैटल ने खा लिया. इन ग्रासेस को किसने खा लिया? कैटल ने खा लिया. अब ये कैटल क्या हो गई? इसने अपने अंदर इन एग को ले लिया. इस ये एग कहां पे चले गए? इसके इंटेस्टाइन तक पहुंच गए, पेनिट्रेट हो गए. कहां पे? पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल. इंटेस्टाइनल वॉल में जाके पेनिट्रेट हो गए. वहां पे इन्होंने क्या बना लिया? ओंकोस्फेयर्स बना लिए. क्या बना लिए? ओंकोस्फेयर बना लिया. एग से अब क्या बन गया? ओंकोस्फेयर बन गया. अब ये ओंकोस्फेयर इसके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, मस्कुलेचर में सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है. और जो स्टेज मसल्स तक पहुंचती है उसको हम कहते हैं सिस्टोकोर्की, ठीक है. जब ये, अब ये क्या किया ह्यूमंस ने? अनकुक्ड फूड ले लिया, जैसे अनकुक्ड फूड ले लिया या इन्फेक्टेड मीट खा लिया, इन्फेक्टेड मीट खा लिया या रॉ फूड खा लिया, अनकुक्ड फूड खा लिया, तो ये किसके अंदर चले गए? ह्यूमंस के अंदर चले गया, ठीक है. जो स्कॉलस वाला पार्ट होता है टीनिया का, कौन सा पार्ट होता है? स्कॉलस वाला, हेड वाला पार्ट होता है, वो किसके साथ जाके जुड़ जाता है? इंटेस्टाइन के साथ जाके जुड़ जाता है. अब वो इंटेस्टाइन के साथ जाके जुड़ जाएगा और वहां से अपना खाना लेना शुरू कर देगा. इसी का स्कॉलस का काम ही क्या होता है? वहां पे जाके चिपकना और न्यूट्रिशन लेना, ठीक है. अब ये स्कॉलस यहां पे क्या हो जाएंगे? एडल्ट हो जाएंगे, ठीक है. अब ये यहां पे जाके क्या हो जाएंगे? एडल्ट हो जाएंगे. एडल्ट कहां पे हो रहे हैं? मेन के स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ये कहां पे बन रहा था? ओंकोस्फेयर्स कहां पे बन रहे थे? कैटल के इंटेस्टाइन में. ये बात आपको क्लियर हुई? इसने अपना फीकल मटेरियल दोबारा निकाला, फिर उसमें क्या थे? एग्स प्रेजेंट थे. और उसकी एग्स को क्या कहते हैं? ग्रेविड प्रोग्लॉटिस भी बोलते हैं. ये कहां पे आ गए? एनवायरमेंट में आ गए. एनवायरमेंट से वेजिटेशन हुआ, इन्होंने खाना खा लिया. खाना खाते ही उस कैटल के इंटेस्टाइन में आ गया. अब इंटेस्टाइन में उसका क्या? डेवलपमेंट शुरू हो गया. ऑंकोस्फेयर्स बने. ऑंकोस्फेयर्स उसके पूरे मस्कुलर्स में फैल गए और उस मसल्स में सिस्टोकोर्काई पहुंच गया. और उसके द्वारा, उस सब उन मसल्स के द्वारा, मसल्स ही तो खाते हो ना आप जब एग और मीट खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो क्या खाते हो? उसका फ्लेश और मसल्स खा रहे होते हो, है ना. तो उसके सारी बॉडी में फैल चुका है. अब वो खाओगे, अनकुक फूड खाओगे तो ह्यूमन में आ जाएगा. ह्यूमन में वो स्कॉलस वाला पार्ट कहां आ गया? इंटेस्टाइन में आ गया. इंटेस्टाइन में वो मेच्योर हो गया, वो एडल्ट वर्म बन गया. फिर उसने रिप्रोड्यूस करके एग्स का निर्माण कर दिया. फिर ये एग्स क्या हो गए? इन्फेक्टेड हो गए. तो ऐसे ये इसकी टीनिया सोलियम और टीनिया सेगिनेटा की लाइफ साइकिल चलती रहती है. आपको इन दोनों की लाइफ साइकिल क्लियर हो गई? ये लाइफ साइकिल आपको क्लियर हो गई? अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा था, द एम्ब्रियोज ऑनकोस्फेयर्स ऑफ टीनिया सेगिनेटा आर रिलीज्ड इन. कहां पे रिलीज करते हैं? जब एम्ब्रियोज, वो जो एग्स थे उसने ले लिए, अब ऑनकोफोर्स कहां पे पहुंचेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मेन में, इंटेस्टाइन ऑफ कैटल में, लिवर ऑफ मेन में या लिवर ऑफ कैटल में? जल्दी से आंसर करो. मनुष्य के पाचन तंत्र में जाएगा या मवेशियों की आंत में जाएगा या आदमी के लिवर में जाएगा या मवेशियों के लिवर में जाएगा? कहां पे जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो. अभी आपने देखा लाइफ साइकिल को, सारे आंसर करेंगे. जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेगा यहीं पर, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे. सबको क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी नाइस. शिवम, लिवर ऑफ कैटल? नहीं बेटा, लिवर की तो बात ही नहीं हुई, यहां तो इंटेस्टाइन की बात हो रही थी. किसकी बात हो रही थी? इंटेस्टाइन की बात हो रही थी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंटेस्टाइन ऑफ कैटल्स, कैटल्स के इंटेस्टाइन में. ये देखो, ये था ग्रेविड प्रोग्लॉटिस. कहां पे पहुंच गया? कैटल ने खा लिया, वहां तक पहुंच गया. अब मैंने आपको बताया जो ऑंकोस्फेयर्स थे वो किसमें हैच हो गए? ऑंकोस्फेयर्स हैच हो गए, एक से एक ऑंकोस्फेयर बन गए. अब ऑंकोस्फेयर ने क्या किया? इंटेस्टाइनल वॉल को
पेनिट्रेट करते हुए, उनको चीरते हुए अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गए। अब वहां पे इनका डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलप इनटू किस में डेवलप्ड हो रहा है, ये सिस्ट अपने आसपास एक सिस्ट बना लेगा इसको, इसीलिए इसको सिस्टोकोर्काई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बना लेता है, अपने आसपास एक सिस्ट बना लेता है। ऑन्कोस्फेयर्स क्या करते हैं, अपने आसपास एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, जो किस में चले जाते हैं, सारे मसल्स में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा, किसमें गया वो, इंटेस्टाइन ऑफ कैटल में। तो जिस जिसने भी ये ऑप्शन किया है लिवर, वो गलत है, इंटेस्टाइन ऑफ कैटल इज अ करेक्ट ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा था। अच्छा, ये टीनिया सोलियम और दोनों का ही है, ये पिग्स जो कैट टी सिग्नाटा है वो ज्यादातर हमें कैटल्स में मिलता है, उसका जो होस्ट होता है वो क्या होता है, कैटल होता है। और जो टी सोलियम है, टीनिया सोलियम है, वो किस, उसका क्या है, उसका ज्यादातर पिग्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वो किस, उसका होस्ट क्या है, पिग है, और बाकियों का कैटल है, कैटल एनिमल, मवेशियां जो होती हैं। ठीक है, अ वॉर्म इन्फेस्टेशन इज मेडिकली रेफर टू एज, अ कृमि संक्रमण को चिकित्सीय रूप से क्या कहा जाता है, अगर किसी को वॉर्म का इन्फेस्टेशन हो जाता है, ठीक है, अगर कोई वॉर्म उसको संक्रमित कर देता है, तो उसको मेडिकली क्या बोलते हैं, हेलमेंथियासिस बोलते हैं, फ्लारेसिस बोलते हैं, एमिबाइसिस बोलते हैं, या ट्यूबर कोलिसिस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कृमि रोग बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं, एमिबाइसिस बोलते हैं, या यक्ष्मा बोलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी बताओ, अगर वॉर्म को इन्फेक्शन हो जाए, वॉर्म से कोई इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसको मेडिकली क्या बोलते हैं, चिकित्सकीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओके, कोई बात नहीं मनीषा, अभी हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस करे हैं, आप प्लेलिस्ट में दोबारा देख लेना, क्योंकि बस एक ही इंपॉर्टेंट साइकिल करी है हमने, किसकी, टीनिया सोलियम की। ठीक है, वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, बस उससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अ वॉर्म इन्फेस्टेशन इज मेडिकली रेफर्ड टू एज, क्या आंसर दे रहे हैं, हेलमेंथियासिस। वेरी नाइस, हेलमेंथ्स मतलब क्या होता है, वॉर्म्स। तो वॉर्म से अगर इंफेक्शन है तो उसको क्या कहेंगे, हेलमेंथियासिस बोलेंगे। ठीक है, कृमि रोग कहते हैं उसको हम। चले नेक्स्ट, चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूक इन इन्फेस्टेशन ऑफ मेन इज, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अस्थाई संक्रमण किसके द्वारा होता है, फ्लारेसिस कॉज्ड बाय टेपवॉर्म, कॉज्ड बाय लिवर फ्लूक, या सिस्कोस्टोमासियासिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल फीवर भी बोलते हैं, बिलहरिजियासिस बोलते हैं, स्नेल फीवर बोलते हैं, और सिस्टोस्टोमियासिस बोलते हैं। तो क्या पूछा है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूक इन्फेस्टेशन पूछा है, कौन सा फ्लूक बहुत ही ज्यादा हमें किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है, जिसका संक्रमण, फ्लूक की बात की है, वॉर्म की बात नहीं की है। ठीक है, तो वो बताना है इसमें, सी कॉज बाय लिवर फ्लूक। ओके, और लेकिन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो स्नेल फीवर होता है, ये होता है सिस्टोसोमियासिस। इसका भी एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं, सिस्टोस्टोमियासिस की एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले इसके इंटेस्टाइन ने क्या किया, फीकल मटीरियल पास किया, फीकल मटीरियल पास किया। इस फीकल मटीरियल में क्या था, इसके स्टूल में, मतलब स्टूल या यूरिन किसी में भी हो सकते हैं, इसके एग्स। कोई इंफेक्टेड मैन था, इन्फेक्टेड मैन में से जब इन्फेक्टेड मैन का फीकल मटेरियल पास हुआ, तो जो उसके स्टूल और यूरिन में क्या पाया गया, एग्स पाए गए। अब ये एग्स क्या करेंगे, अब ये एग्स हैच हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये एग्स हैच हो जाएंगे किसके अंदर, ये याद रखना, इन वॉटर, पानी के अंदर। जब हमारा स्टूल या यूरिन कहीं भी ड्रेनेज के लिए जाता है, वो पानी में चला जाता है। अब वो पानी में जाने के बाद ये क्या कर लिया इन्होंने, ये हैच कर लिया, और किसका निर्माण करते हैं, ये इमैच्योर लार्वा।
जिसको हम कहते हैं मिराक्सीडिया। ठीक है, सबसे पहले इसने स्टूल पास किया, उसमें क्या था, एग्स थे, एग्स पानी के साथ मिलके वहां हैच हो गए और उसने क्या बना लिया, इमेच्योर लार्वा बना लिया। अब ये जो मिराकाडिया है ये क्या करेगा, मिराक्सीडिया है, ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं क्योंकि स्नेल वहां पाए जाते हैं। स्नेल को क्या बोलते हैं हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं स्नेल को, घोंगा। यस, हाँ, तो स्नेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं क्योंकि वो भी कहां पे दिखने को मिलते हैं हमें, पानी और सॉयल दोनों जगह देखने को मिलते हैं वहां आसपास, उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और स्नेल के अंदर ये जो मिराक्सीडिया है लार्वा है, मिराक्सीडिया है लार्वा, ये क्या कर जाता है, ये डेवलप कर जाता है किसके क्या बनाता है, स्पोरोसिस्ट बनाता है। क्या बनाता है, स्पोरोसिस्ट। क्या हुआ, पहले फीकल मैटर आया, एग निकला उसमें से, एग किसमें मिल गया, वाटर में मिल गया, वाटर से वहां हैच होना शुरू हो गया। ठीक है, याद हो या हैच वाटर में क्या किया, मैच्योर होना शुरू हुआ, लार्वा का निर्माण हुआ, लार्वा ने किसके अंदर पेनिट्रेट हो गया, किसके अंदर घुस गया, इन स्नेल्स के अंदर घुस गया। अब इन स्नेल्स के अंदर क्या होगा, ये मैच्योर होने शुरू होंगे, लार्वा से इसने क्या बना लिया, स्पोरोसिस्ट बना लिया। अब ये स्पोरोसिस्ट से क्या बनाएगा, सरकाडिया, सरकाडिया बनाएगा जो किसमें रिलीज कर देगा, ये दोबारा से पानी में रिलीज कर देगा, किसमें रिलीज कर देगा, दोबारा से पानी में रिलीज कर देगा। और वो पानी अगर ह्यूमन ले ले तो उसमें ह्यूमंस में आ जाता है, वो किसमें आ जाता है, ह्यूमंस में आ जाता है। ह्यूमंस में किस फॉर्म में आ रहा है, ये याद रखना, सिरकैरिया की फॉर्म में आ रहा है, सिरकैरिया की फॉर्म में आ रहा है। दो ही तो स्टेज है, एक मिराक्सीडिया जो लार्वा है इसका, वो किसमें चला गया, स्नेल में चला गया, वहां पे मैच्योर हो गया, स्पोरोजॉइड बन गए, स्पोरोजॉइड से ये क्या बन गए, सिरकैडिया बन गए, सिरकैरिया बन गए। सिरकैरिया ने किसके अंदर इन्वेड हो गए, ह्यूमन के अंदर घुस गए। ह्यूमन के अंदर घुसने के कारण जैसे ही पानी पिया वो कहां तक पहुंच गया, लिवर तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, लिवर तक पहुंच गया। अब ये लिवर के अंदर क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे, क्या हो गए, एडल्ट हो गए। और ये कैसे हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब फीमेल और मेल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये कहां पे पहुंचेंगे, इंटेस्टाइन की वॉल तक पहुंचेंगे अडल्ट, और फिर वहां से दोबारा एग्स रिलीज कर देंगे अपने फीकल मैटर में। ठीक है, क्या कह रहे हो, ह्यूमन में कैसे, ह्यूमन में क्या होता है, कभी कभी स्किन से भी पेनिट्रेट हो जाते हैं, ये स्किन से भी अंदर घुस जाते हैं, या हमारा हमारा इनटेक ही पानी का हो जाता है, वो वाले पानी का इनटेक हो जाता है, उसके थ्रू भी चले जाते हैं। दोनों 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 टाइप से जा सकते हैं। दोबारा बता देती हूं एक बार, आपने देखा ये एग्स जो हो गए हैच हो गया था, अब लार्वा बनेगा, जब लार्वा बना तो किसके अंदर चला गया, स्नेल के अंदर चला गया, स्नेल के अंदर स्पोरोजॉइड्स बने, ओ सॉरी स्पोरोसिस्ट बने, स्पोरोसिस्ट मैच्योर हो गए सिरकैरिया में, CERCARIAE सिरकैरिया, इसमें मैच्योर हो गए, और ये कहां पे रिलीज्ड हो गया, वाटर में, या तो ये पानी में रिलीज हो गए तो स्किन के अंदर अपने आप ही पेनिट्रेट हो जाएंगे अगर हम उस पानी में चले जाएंगे, ठीक है, या वो उस पानी में चले गए तो ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे, अदरवाइज कंटामिनेटेड वाटर अगर हम इनटेक कर लेते हैं तो उससे भी हो जाते हैं। यस, कंटामिनेटेड वाटर से एंटर या स्किन से पेनिट्रेट हुआ, हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ, ये अब क्या बनाएंगे, सिरकैरिया से अब क्या बनेगा, सिस्टोस्ट मूला बनेगा, किसके अंदर, लिवर के अंदर। ठीक है, सरकारिया से क्या बना, सिस्टो स्मूला बना, किसके अंदर, लिवर के अंदर। अब यहां पे मैच्योर होने के बाद ये पेयर्ड वॉर्म बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पेयर्ड वॉर्म्स बना लेंगे, और ये पेयर्ड वॉर्म्स कहां चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और इंटेस्टाइन में जाके फीमेल वाला दोबारा से एग्स प्रोड्यूस करेगा और फीकल अपने फीकल मैटर में मटीरियल में निकाल देगा इनको, फिर दोबारा से ये साइकिल ऐसे रन होती रहेगी। ठीक है, क्या कॉज कर रहा है, ये स्नेल फीवर कॉज कर रहा है,
क्या कॉज कर रहा है ये? सिस्टोस्टोमियासिस क्लोज कर रहा है, सिस्टोस्टोमियासिस कॉज कर रहा है कौन? ये वाला लार्वा, सॉरी कौन सा? मिरासीडिया या सिस्टोस्टोमोला, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहां पे देखने को मिलता है? ये अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसको स्नेल फीवर भी बोलते हैं। यस, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आपको? इतनी बात दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है इसकी लाइफ साइकिल? क्या बोला आपने? ये देख लो, मिराकार्डिया, मिरासीडिया जो स्टेज है वो किसमें? स्नेल के अंदर है, ठीक है। स्नेल के अंदर स्पोरोजोइट्स डेवलप हो गए। जब स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट ने अपने बाहर क्या बना लिया? एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम क्या कहते हैं? सिरकाडिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूव करता हुआ वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये कहां पे बन रहा है? ये बन किसके अंदर रहा है? ये मैच्योर किसके अंदर हो रहा है? स्नेल के अंदर हो रहा है। उसके बाद स्पोरोजोइट्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ये सिरकेरिया रिलीज कर रहे हैं। सिरकेरिया रिलीज होता है पानी के अंदर और फिर ह्यूमन में चला जाता है, ठीक है। सिरकाडियम, यस, जो मिरासीडिया स्टेज है वो किसके अंदर है? वो स्नेल के अंदर है, ठीक है। और सिरकेरिया ह्यूमंस के अंदर है, लेकिन वो मैच्योर कहां पे हुई है? वो हुई स्नेल के अंदर ही है। और उसके अंदर क्या मैच्योर हुआ है? सिस्टोमोला मैच्योर हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है नीरजा। चलो, तो इसका आंसर क्या है? सिस्टोमियासिस या बिलहार्जियासिस, और इसको स्नेल फीवर भी बहुत जगह लिखा होगा। ये इसके तीनों वर्ड्स हैं, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेपवर्म्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बाय, टेपवर्म अपना पोषण मेजबान से प्राप्त करते हैं, सकिंग, स्क्रैपिंग, एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेग्यूमेंट या प्रिपेयरिंग ओन फूड। अनुभवहीन, स्क्रैपिंग, पूर्णाक के माध्यम से अवशोषण, या खुद खाना बनाते हैं। टेपवर्म कैसे लेते हैं खाना अपना? उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है? जल्दी से आंसर करो। सकिंग, और कोई? नहीं नहीं मैंने आपको बताया था उससे डिजीज और लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना ही आएगा उसमें, ठीक है। टीनिया सोलियम के बारे में बात कर रहे हो ना? उनकी लाइफ साइकिल से पूछे जाते हैं। यस, क्या आंसर किया? ए, सकिंग। नीरजा सी, वेरी नाइस, एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेग्यूमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। मैंने आपको बताया जब वो इंटेस्टाइनल वॉल में चले जाते हैं, ये इंटेस्टाइन की वॉल है, अब ये यहां पे चले गए तो इसके इंटेग्यूमेंट से ये क्या लेंगे? खाना एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? वो तो उसको घुसने के लिए करना पड़ता है। सकिंग क्या करना पड़ता है? जो सकर्स का काम सकिंग करना नहीं होता, चिपकना होता है, वो तो उनको अंदर घुसने के लिए करना पड़ता है। न्यूट्रिशन के लिए पूछा है यहाँ पे, तो ये इंटेस्टाइन में जाके वहां पे जाके क्या करते हैं? इंटेग्यूमेंट्स के साथ जुड़ के, ये स्किन के साथ जुड़ के क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सी, पूर्णाक के माध्यम से अवशोषण इज अ करेक्ट ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया सबको? एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है? इंटेग्यूमेंट से हो रहा है। और ये अपना न्यूट्रिशन किस? एडहेसिव ऑर्गन्स है, यस, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन के लिए। चलो, फ्लेम सेल्स आर सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स हैविंग टू डू विद द फंक्शन ऑफ, ज्वाला कोशिकाएं रोमक रचनाएं, संरचनाएं होती है जिनका कार्य क्या होता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन या एक्सक्रीशन, पाचन, श्वसन, मिलना या मल त्याग। तो क्या बोल रहे हैं उसको? फ्लेम सेल्स की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने देखा फ्लेम सेल्स आपको याद रखना है कैसे होते हैं? सिलिएटेड होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। डी, एक्सक्रीशन, यस, एक्सक्रीशन इज अ करेक्ट ऑप्शन।
हाँ उसको देखा मैंने, वो तो टोटली आपने सिलेबस भेजा है, 11th 12th के सारे चैप्टर्स हैं उसमें तो, दीपक तन्वर, उसमें 11th 12th के सारे चैप्टर्स हैं, है ना, ऐसे ही बनाया हुआ है वो, लेकिन वो तो पूरे पूरे चैप्टर्स है। अब जब जो डिटेल सिलेबस आता है उसमें आपको ये भी मेंशन होता है कि आपको कितना पार्ट पढ़ना है ना, उसका कितना पार्ट पढ़ना है। उसमें तो ये कुछ, इसमें तो पोरिफेरा भी नहीं लिखा, प्लैटिहेलमिंथ्स भी नहीं लिखा, आपने तो सिर्फ एनिमल किंगडम लिखा हुआ है ना। अब उसके अंदर जो डिटेल पढ़नी है वो हमें देखनी पड़ेगी, वो जिस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, क्लियर है, वो मैंने देख लिया था। वैसे आपने सही बनाई हुई है अपनी स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से आप मार्क करते रहना आपके कौन कौन से चैप्टर्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, डिजीज कॉज बाय हेलमेंट पैरासाइटिस, कृमि परजीवी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? फाइल फिलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा या डिप्टेरिया, क्या कहलाते हैं? कृमि जीव परजीवी जो डिजीज कॉज करते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइलेरियास, यशमा, हेजा या डिप्थीरिया। ए, वैसे फिलारियासिस जो होता है वो कौन कॉज करता है? ओके ओके, वैसे ये कौन कॉज करता है? सी, कॉलेरा कौन लिख रहा है बेटा? शिवांगी क्या हो गया, कॉलेरा कॉज करते हैं क्या? कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? ये हेलमिंथ्स में कहां से आ गई? हाँ यस यस, तो ये कौन 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 कॉज करते हैं? निमाटोड्स कॉज करते हैं, तो वो भी एक तरह के क्या है, वॉर्म्स ही हैं। उनको क्या कहते हैं? थ्रेड वॉर्म्स कहते हैं, थ्रेड वॉर्म्स, धागे वाले। ठीक है, हाँ वो चेरिया ब्रांकॉफ्टी क्या कॉज करता है? फ्लारिसिस कॉज करता है। तो वो हेलमेंट्स की बात की है, वॉर्म्स की बात की है, तो वो भी एक तरह के क्या है, वॉर्म्स है, निमाटोड कॉज करते हैं ये। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एलिफेंटियासिस इन मेन इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? गुनिया वॉर्म, ड्रैकुलोकोलस, एनसाइक्लोस्टोमा, ऑक्सीयूरिस या माइक्रो फिलारे, फिलारियल वॉर्म, स्पिन वॉर्म, हुक वॉर्म या गुनिया वॉर्म, कौन कॉज करता है एलिफेंटियासिस? जल्दी से बताओ, एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है? डी डी यस, फिलैरियल वॉर्म्स कॉज करते हैं क्या? एलिफेंटियासिस, जिसमें क्या हो जाता है, इसको क्यों बोलते हैं एलिफेंटियासिस? क्योंकि इसमें जो स्वेलिंग्स है, पैरों में जो स्वेलिंग्स आ जाती है वो किस कितनी हो जाती है? एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको लिम्फैटिक, लिम्फैटिक फिलैरिसिस भी बोलते हैं। किस कौन इसका वो कौन होता है? मॉस्किटो कैरियर होता है ना, मॉस्किटो के द्वारा होती है ये, मॉस्किटो इसका कैरियर होता है। हाँ लिम्फेटिक वेसल्स में हो जाता है, इसीलिए इसको लिम्फेटिक फ्लेरेसिस भी बोलते हैं। स्वेलिंग आना इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, स्वेलिंग कौन करता है? माइक्रोफ्लारे फिलारियल वॉर्म कॉज करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रैकुलोकोलिसिस कॉलिस मिडनासिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय, हुक वॉर्म, गुनिया वॉर्म, विप वॉर्म या बुक वॉर्म। ड्रैकुन कोलस मेडिनासिस को सामान्यतः कहा जाता है हुक वॉर्म, गिनी क्रीमी या विप वॉर्म या पुस्तकों का कीड़ा, बुक वॉर्म, क्या कहते हैं इसको? ये क्या है एक तरह का? ड्रानोकॉलस मिडिनासिस क्या है एक तरह का? कौन है ये? निमेटोड है, थ्रेड वॉर्म है,
ठीक है। और ये कॉज कौन करता, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है? ड्रैकुनोकोलोसिस कॉज करता है। और ये इसका कौन सा वाला वॉर्म करता है? फीमेल वॉर्म करता है, फीमेल वॉर्म ही ये डिजीज कॉज करती है, ठीक है। इसको गुनिया वॉर्म भी बोलते हैं, गिनी गिनी वॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर है? यस, लैसेस कॉज करता है, ठीक है। और ये याद रखना, इसका फीमेल वॉर्म ही कॉज करता है ये डिजीज, इसको गिनी वॉर्म भी बोलते हैं, गिनी वॉर्म। चले नेक्स्ट। चलो, मिरासीडियम इज अ लार्वल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ। मिरासीडियम किसके विकास के लिए लार्वा अवस्था है? टीनिया सोलियम, फ्लैशुला हिपैटिका, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स या इचिनोकॉर्कस ग्रैनुलस? किसके लिए है? मिरासीडियम इज अ लार्वल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ। जल्दी से आंसर करो, किसके लिए है? ब्ली ए। और आंसर्स दोनों के लिए हो सकती है ये, इससे ऑप्शंस दोनों करेक्ट दे रखे हैं। फ्लैशियोला भी हो सकता है, फैसियोला भी हो सकता है, और टीनिया सोलियम भी हो सकता है। आपने देखा अभी मेरा सीडियम की स्टेज, उसमें टीनिया सोलियम में देखी थी ना, तो दोनों ए एंड बी करेक्ट है ऑप्शन इसमें, ठीक है। फ्लैशियोला हिपैटिका में भी, लिवर फ्लूक में भी ये वाली स्टेज आती है, मेरा सीडियम लार्वल स्टेज आती है उसमें भी। जो इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज लिवर फ्लूक, कॉमनली कॉल्ड एज लिवर फ्लूक। ये क्या कॉज करता है? फ्लैशियोलिसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? फ्लैशियोलिसिस कॉज करता है। इसकी भी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी कितने, दो होस्ट में वो कंप्लीट होती है। इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लूक भी माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लूक भी माना जाता है। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये प्लैटीहेलमिंथ्स की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ट्रीमेटोडा। क्लियर है? चलो, यस यस, तो दोनों में कौन सी स्टेज आती है? लार्वल स्टेज आती है। तो आंसर क्या होना चाहिए था इसका? बोथ होने चाहिए थे, ठीक है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो आपको करेक्ट लग रहा हो, उस पर हमेशा आंसर करके आना चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना चाहिए जो आपको पता हो दो ऑप्शंस निकल रहे हैं और एक करेक्ट है उसमें से, मतलब आपको लग रहा है दोनों करेक्ट है, वो आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, अगर आप छोड़ देते हो तो आप लॉस, अपना ही लॉस करते हो। ये क्वेश्चन ऐसे अगर आ जाते हैं तो इसमें फायदा हो जाता है बच्चों को, ठीक है। चलो, फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ्स फॉर्म बिलोंग टू द क्लास, मुक्त जीवित प्लैटीहेलमिंथ्स रूप वर्ग के हैं कौन से? ट्यूबुलेरिया, केस्टोडा, ट्रिमेडो या निमेटोडा? तो फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ्स पूछे आपसे, तो जल्दी बताओ फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ्स कौन से होते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं ये? मैंने आपको कल बताया था ये फ्री लिविंग पैरासाइट्स के बारे में, जल्दी से आंसर करो। हाँ, यस, नाइस नाइस शिवांगी, नाइस, वेरी नाइस। ये कैसे होते हैं? ये फ्री लिविंग वॉर्म्स है, क्या है? फ्री लिविंग वॉर्म्स है, याद रखना। ये नॉन पैरासिटिक होते हैं, नॉन पैरासिटिक होते हैं, कैसे नहीं होते? परजीवी नहीं होते। इनको क्या कहते हैं? प्लैनेरियंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेरियंस, प्लैनेरियंस ट्यूबुलेरिया को, ठीक है।
टर्बेलेरिया, टर्बेलेरिया कैसे हैं, फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, नॉन पैरासिटिक है और इन्हें प्लेनेरिया भी बोलते हैं. क्लियर है? तो फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथ्स हैं ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रैबिडाइट्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की कोशिकाओं में रैबिडाइट्स मौजूद होते हैं. कौन सी क्लास में? टर्बेलेरिया में, ट्रिमेटोडा में, कैस्ट्रोडा में, या ऑल ऑफ दीज में, या सब में? जल्दी से आंसर करो. कौन करेगा इसका आंसर? प्लेनेरियन स्प्लेरिन. यस यस करेक्ट. इनकी एपिडर्मिस में, इनकी एपिडर्मिस में किसमें? टर्बेलेरिया की एपिडर्मिस में एक म्यूकस सिक्रीटिंग, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रैबिडाइट्स बोलते हैं. ये इसी का ही एक पिक्यूलर करेक्टर है. किसका? टर्बेलेरिया का. इसके इंटेस्टाइन क्या होते हैं? ये बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? सेलुलर होती है. बहुत सारे सिलिएटेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको रैबिडाइट्स बोलते हैं. शायद यहां पे मैंने ये देखो, ये इसकी लेयर है. ठीक है, यहां पे दिख रहा है ये वाले जो लेयर्स हैं, बीच बीच में सेल्स पाए जा रहे हैं. ये कैसे हैं सेल्स? रैबिडाइट्स हैं. ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं. द बॉडी ऑफ प्लैटीहेलमिंथ्स एग्जांपल ट्यूबुलेरिया इज कवर्ड बाय सिलिएटेड एपिडर्मिस. किससे कवर्ड होती है? सिलिएटेड एपिडर्मिस से. एपिडर्मल सेल्स कंटेन रॉड शेप्ड. इन कैसी है इनकी शेप? तभी इनको रैबिडाइट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी शेप कैसी है? रॉड शेप्ड है. व्हेन रिलीज्ड इनटू सराउंडिंग वाटर एक्सपेंड एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव म्यूकस कोट अराउंड द एनिमल. ये क्या करती है? अपने, क्योंकि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. क्या? अपने आसपास एक कोट बना लेता है म्यूकस का, एक लेयर बना लेता है तरल पदार्थ का जिससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. द आउटर बॉडी कवरिंग ऑफ अदर प्लैटीहेलमिंथ्स, क्योंकि ये कैसे है? नॉन पैरासिटिक है. कैसे है? नॉन पैरासिटिक है. जबकि तभी तो ये नॉन पैरासिटिक है, इसलिए अपने आप इनको तो सर्वाइव करना है बाहर वाले एनवायरनमेंट में. ये किसी के अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास क्या बनाना पड़ता है? म्यूकस बनाना पड़ता है. ठीक है. द आउटर कवरिंग ऑफ अदर प्लैटीहेलमिंथ्स, जो अदर प्लैटीहेलमिंथ्स है, जो पैरासिटिक है, वो नॉन सिलिएटेड टेग्यूमेंट बनाते हैं. वो तो हार्ड टेग्यूमेंट बनाते हैं अपने ताकि वो पेनिट्रेट कर सके इजीली. ठीक है. द टेग्यूमेंट रेफर टू एज सिनकाइटल एपिथीलियम. सिनकाइटल, याद रखना ये भी वर्ड. सिनकाइशियल एपिथीलियम. ये कैसा है? नॉन सिलिएटेड है, इसमें सिलिया प्रेजेंट नहीं होता. ये कहां पे, कौन से प्लैटीहेलमिंथ्स में पाया जाता है? जो पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक होते हैं क्योंकि इनको इन्वेड करना होता है, घुसना होता है किसी होस्ट के अंदर. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इसका आंसर क्या होगा? टर्बेलेरिया. कैसे सेल्स होते हैं ये? रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड म्यूकस सिक्रीटिंग, नॉन, और एक जो इंपॉर्टेंट वो है उसमें कि इनकी कवरिंग किससे होती है? सिलिएटेड एपिडर्मिस. कौन से हैं ये? नॉन पैरासिटिक फॉर्म है, ये भी याद रखना. और नॉन पैरासिटिक फॉर्म मैंने अभी आपको बताया फ्री लिविंग, और नॉन पैरासिटिक फॉर्म कौन से हैं? टर्बेलेरिया. ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सिग्नेटा. क्या होती है टीनिया सिग्नेटा का इंटरमीडिएट होस्ट? पिग, कैटल, डॉग या गॉट. कौन है? टीनिया सिग्नेटा का जीवन चक्र में मध्यवर्ती मेजबान कौन है? कौन है उसका इंटरमीडिएट होस्ट? पिग है, कैटल है, डॉग है या गॉट है? जल्दी से आंसर करो. अभी हमने किया है, याद रखना, टीनिया सिग्नेटा की बात हुई है, टीनिया सोलियम की बात नहीं हुई है. अभी मैंने आपको बताया था जब इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में, तो इसमें बताया था कि इसके अंदर,
इसके अंदर कौन होगा इंटरमीडिएट होस्ट? कैटल्स होंगे. और टीनिया सोलियम जो है वो किसका होस्ट होगा? उसका होस्ट क्या होगा? इंटरमीडिएट पिग होगा. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बी, कैटल. कैटल्स, यस. जिसने कैटल आंसर किया, पिग वही. मैं अभी आप देखो बहुत सारे बच्चे पिग भी कर रहे हैं. मैंने आपको बताया टीनिया सोलियम की बात नहीं हुई है, टीनिया सेगिनाटा की बात हुई है. आप इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर देते हो? ठीक है, क्लियर है. चलो, टीनिया सोलियम पोजेस नो प्रॉब्लम इन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या यूरोपियन कंट्रीज. टीनिया सोलियम में कोई समस्या नहीं है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या यूरोपीय देशों में. टीनिया सोलियम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, इनमें से कौन सी कंट्री में? जल्दी से आंसर करो, कहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता? कौन बताएगा इसका आंसर फटाफट? बी क्विक. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? टीनिया सोलियम पोजेस नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. टीनिया सोलियम का जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है? पॉर्क, है ना? टफ है ये क्वेश्चंस. सी, पाकिस्तान. देखो आंसर तो आ रहा है, सी पाकिस्तान. यस, नाइस, वेरी नाइस. यूरोपियन कंट्रीज नो. तो वहां पे क्या है? पोर्क जो है वो इलीगल है, बैन है, है ना? पोर्क खाना क्या है वहां पे? बैन है. कहां पे? पाकिस्तान में. जब लोग पोर्क ही नहीं खाएंगे, उसका इंटरमीडिएट होस्ट ही नहीं खाएंगे, तो ये डिजीज होगी कहां से, है ना? जहां पे क्या है? यस, मे बी पाकिस्तान. नहीं, पाकिस्तान इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, वहां पे क्या है? पोर्क जो है वो क्या? इलीगल है, बैन है. जब पोक ही नहीं होगा तो इंटरमीडिएट होस्ट ही नहीं होगा, तो वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा? तो वहां पे कुछ है ही नहीं ट्रांसमिशन के लिए, इसीलिए इसका आंसर क्या है? सी पाकिस्तान. तो वहां पे टीनिया सोलियम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, क्लियर है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो इसका आंसर है सी पाकिस्तान. नाउ नेक्स्ट, सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वॉर्म इज द लार्वा ऑफ. किसका लार्वा है? अभी मैंने आपको बताया है. हाँ, अच्छी बात है, नाइस. एक डिजीज से तो बच सकते हैं, है ना? चलो, सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म किसका लार्वा है? सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वॉर्म किसका लार्वा है? लिवर फ्लू का, प्लेनेरिया का, टेप वॉर्म का या राउंड वॉर्म का? अभी हमने देखा था सिस्टी सेरस, सिस्टी सर्कस अभी हमने देखा था. हाँ, टेप वॉर्म का. एक बार थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. टेप वॉर्म, यस, टेप वॉर्म इज अ करेक्ट ऑप्शन. ये देखो, जब मैंने आपको वहां बताया कि जो उसका लार्वा है स्पोरोसिस से किसमें मैच्योर हो गया? सिस्टी. इसने अपने आसपास क्या बना लिया? सिस्ट बना लिया. अब इसको मैच्योर होना है, बड़ा होना है, तो ये क्या करेगा? ये इनवेजिनेशन शो करेगा, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट हो रही है. डेवलपमेंट में इनवेजिनेशन हो रहा है, तो यहां पे स्कॉलस सबसे पहले क्या बनना शुरू होगा? स्कॉलस बनना शुरू होगा, स्कॉलस बनना शुरू होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? सकर्स प्रेजेंट होंगे, हुक्स प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये देखो यहां से इसका स्कॉलस बनना शुरू हुआ, जैसे जैसे ये इनवेजिनेट. अब ये क्या करेंगे? स्कॉलस बन गया तो एक्सवेजिनेट हो जाएंगे, इसमें डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, जब स्कॉलस बन गया तो ये बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा. तो ये स्कॉलस बन गया इसका, पहले तो इनवेजिनेट होके क्या बना लिया इसने? ये स्कॉलस बना लिया. अब इसको प्रेशर लगेगा, मसल्स अंदर से सेल डेवलप्ड होंगे, तो इसको प्रेशर लगेगा, ये एक्सवेजिनेट हो जाएगा. यहां पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये इसका नेक बनेगा, ये वाला पार्ट है, तभी ये वाला पार्ट को ब्लैडर बोलते हैं, इसीलिए इसको ब्लैडर वॉर्म भी बोलते हैं. ब्लैडर की तरह दिखता है, फूला हुआ दिखता है. ठीक है, यहां पे नेक बन जाएगा, ये वाला पोर्शन नेक है. यहां पे ये सकलेस वाला पोर्शन है, यहां पे स्कॉलेस है. ये वाला पोर्शन कैसा है? स्कॉलेस है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सकर्स प्रेजेंट है, हुक्स प्रेजेंट है.
नेक किसमें? अब यहाँ पे प्रोग्लॉटिस बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे अब फिर वो तो मेच्योर होएगा जब एडल्ट, जब बिल्कुल एडल्ट फॉर्म में बन जाएगा तो प्रोग्लॉटिस तो मेच्योर हो जाएगा जिसमें सेक्स सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके पूरा ही वॉर्म बन जाता है, फिर वो ह्यूमन मैंने बताया था इंटेस्टाइन में जाके क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, ठीक है। तो इसका पहले इन्वेजिनेशन होता है, ये भी याद रखना, पहले इन्वेजिनेशन होता है, अंदर की तरफ जाता है, स्कॉलेज बनने के बाद इवेजिनेशन हो जाता है, बाहर की तरफ निकलने शुरू हो जाता है। इसीलिए जो ये बड बनता है नीचे, इसको ब्लैडर बोलते हैं, और इसी इसी के नाम से इसको क्या बोला गया है, ब्लैडर वॉर्म भी बोला गया है, ठीक है। और ये किसका कैरेक्टर है, ये टीनिया सोलियम में देखने को मिलता है, टीनिया सोलियम, ये टीनिया सोलियम ही दिखा रहे हैं, और वो क्या है, टेप वॉर्म है। आपने टीनिया सोलियम में ये इसका किसका सिस्टी सर्कस का रोल देखा था लाइफ साइकिल में, उसकी लाइफ साइकिल में, टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल में या टीनिया सिग्नेटा की लाइफ साइकिल में इसका रोल देखा था कि कैसे वो बाहर निकल के स्पोरोसिस से बाहर निकल के पेनिट्रेट होती है ह्यूमन स्किन के अंदर, टेप फॉर्म में भी होता है। मैम हाँ हाँ टेप फॉर्म में भी दिखता है वो, ठीक है। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, फ्लैशियोला हिपैटिका में, ठीक है। तो टेप फॉर्म फीता क्रिमी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेप फॉर्म, क्लियर है। चलो तो आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे आपको आपकी क्या थोड़ी बहुत लाइफ साइकिल्स के बारे में क्लियर हो गया, थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में क्लियर हो गया, थोड़ा सा ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेमाटोड्स पढ़ेंगे, इसके आगे 10 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको किसके लिए दूंगी, आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी ताकि वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे पूछ लेना। तो कल हम अब नेमाटोड्स की क्लास के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन वो देखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे थोड़े से, वैसे हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स यहीं पे ही कवर कर लिए हैं, ठीक है, नेमाटोड्स के। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। यस यस तो थोड़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना, तो कोशिश किया करो कि पूरी क्लास ऐसे ही चला करे, लास्ट में मैम से क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है, ताकि जितना मेरे को बताना है मैं उतना तो बता सकूं आपको। आप बीच में मैम से बहुत सारे इधर से उधर से ये वो क्वेश्चन पूछने लग जाते हो तो फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप टेलीग्राम के लिए रखा करो, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्लास, क्योंकि एक घंटे के लिए मिलते हैं, उसमें भी अगर हम बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके ओके थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, टेक केयर।